अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने ये कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट किया था, उसमें लास्ट क्या किया था, कोई आप में शेयर कर सकता है? सर क्वेश्चन 7 तक कर लिया था, किस में बेटा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन। जी कॉन्सेंट्रेशन के? ओके ठीक है, तो अब आज हम जो है वो हाइब्रिड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कंसंट्रेशन और अब ये मुख्तलिफ टॉपिक का मर्ज जो है वो क्वेश्चंस अब हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होंगे। और मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आप करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जो बुकलेट आपको दी गई है उसी का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और इसमें स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी है, किसी हद तक लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। सवाल क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, और डिड्यूस टू ऑब्जर्वेशंस दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए, जब भी आप कार्बोनेट में एसिड डालते हैं, तो कार्बोनेट में एसिड डालने पर ओ लेवल से आप पढ़कर आए हैं कि कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि इक्वेशन में गिवन भी है। और ये ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या होती है इसकी, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो एफरवेसेंस फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो एफरवेसेंस फॉर्म होते हैं। एफरवेसेंस का मतलब ये है कि बबल ऑफ गैस। जिस तरह अगर आप सेवन अप या पेप्सी की बॉटल को जो है वो शेक करें और उसके बाद जो है वो उसका बटन उसका सॉरी ओपनर ओपन करें उसको, तो उसमें से आपको छाक निकलती हुई नजर आएगी, ये एफरवेसेंस कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो एफरवेसेंस फॉर्म होंगे या बबल ऑफ गैस प्रोड्यूस होंगे, ये एक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है इसकी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेस में है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सॉलिड है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और सॉलिड अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉलिड विल डिसअपियर। सॉलिड आपका डिसअपियर होगा, सॉलिड खत्म हो जाएगा, जबकि आपका बचेगा वो सिर्फ सॉल्यूशन। तो ये दो मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस रिएक्शन में आपको मिलेंगी। नंबर 1, एफरवेसेंस फॉर्म होंगे, और नंबर 2 जो है वो सॉलिड डिसअपीयर होगा। नेक्स्ट, इन दिस एक्सपेरिमेंट 0.040 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू 25 cm³ ऑफ 0.050 मोल पर dm³ HCl। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय 0.050 मोल पर dm³ HCl। मैं आपको कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी ये बात कर चुका हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर dm³, और नंबर ऑफ मोल्स पर dm³ का मतलब यह है कि जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है एक्चुअली वो मोल्स हैं, लेकिन वो मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट इन 1 dm³। 0.050 मोल पर dm³ HCl का मतलब ये है कि 0.050 मोल HCl हमने डिसॉल्व किया है इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। 0.050 मोल HCl हमने डिसॉल्व किया है इन 5 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, ये है मतलब 0.050 मोल HCl का। सवाल राइट। नेक्स्ट जो है, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज इन द एक्सपेरिमेंट। आपको मास गिवन है क्वेश्चन में 0.040 और डिवाइडेड बाय MR, MR इज 100, 100.1। तो आपको पता है मोल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि मास ओवर MR करते हैं, तो मास जो है वो 0.040 है और MR इज 100.1, तो ये हो गया 4.0, 10⁻⁴ मोल। ये मोल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। और ये जहन में रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट,
क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद कहा है कि HCl जो है वो एक्सेस में. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट यानी मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं, उस मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना HCl यूज होगा. इसके लिए आप इक्वेशन देखेंगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का जो मोलर रेशियो है, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का मोलर रेशियो इक्वेशन में वो 1:2 है, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl. तो हमने जो मोल कैलकुलेट किए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो 4×10⁻⁴ हैं, तो फिर HCl विल बी 8×10⁻⁴. HCl जो है वो 8×10⁻⁴ मोल HCl हो जाएगा. ये HCl के मोल जो आप रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. और फाइनली आपको शो करना है दैट HCl इज एन एक्सेस. अब HCl एक्सेस में प्रूफ करने के लिए देखें, 8×10⁻⁴ मोल HCl इस्तेमाल हो गया. सवाल यह है कि शुरू में HCl कितना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कि शुरू में HCl कितना था वो यहाँ लिखा हुआ है कि 25 cm³ था ऑफ 0.050 मोल पर dm³. ये HCl अवेलेबल था, ठीक है, ये HCl अवेलेबल था. तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि 1000 cm³ कंटेन 0.050 मोल. ये कंसंट्रेशन थी, गिवन थी. तो 25 cm³ में कितने मोल्स HCl होंगे, 25 cm³ में कितने मोल HCl होंगे, ये मोल ऑफ HCl हैं जो अवेलेबल हैं, ये मोल ऑफ HCl हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है जी, ये मोल ऑफ HCl अवेलेबल है और ये मोल ऑफ HCl जो कंज्यूम हो गए. तो जब आप अवेलेबल माइनस कंज्यूम निकालेंगे तो आपके पास HCl बच जाए. और यही जो है वो इस बात का प्रूफ है कि इनिशियल मोल्स ऑफ HCl आर 1.25×10⁻³, व्हाइल 8×10⁻⁴ मोल ऑफ HCl वाज यूज्ड. सो रिमेनिंग मोल्स आर, जो भी यहाँ पे आ जाए वो आंसर लिख दीजिएगा. तो रिमेनिंग मोल्स ये इंडिकेट करते हैं कि सम ऑफ द अमाउंट ऑफ HCl रिमेन इन द मिक्सचर, एंड दैट विल प्रूव दैट HCl इज इन एक्सेस. ये बात अगर क्लियर हो गई तो बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. सर लास्ट पार्ट फिर समझा देंगे. लास्ट पार्ट में हमने ये कहा कि जो HCl हमने कैरी किया था शुरू में वो था 0.050 मोल पर dm³. इसका मतलब ये है कि 1000 cm³ के अंदर 0.050 मोल मौजूद. तो अगर 1000 cm³ में 0.050 मोल मौजूद हैं, तो 25 cm³ में कितने मोल होंगे. ये वो मोल हैं जो इनिशियली हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डाले थे. उसके बाद उन मोल में से 8×10⁻⁴ मोल HCl इस्तेमाल हो गया. तो जब HCl इस्तेमाल हो गया, अब बाकी कितना बचा, वो आपने डिफरेंस निकाल लिया. तो डिफरेंस अगर बच गया है, इसका मतलब है कि HCl ये वो है जो एक्सेस में मौजूद है. तो ये प्रूफ हो जाएगा कि HCl इज इन एक्सेस. ठीक है सर, ठीक. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 14. हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कलरलेस गैस व्हिच डिसॉल्व्स, ये लिखा हुआ at room temperature and pressure, 1 dm³ of water dissolved
32 dm cube of hydrogen chloride gas, how many moles of hydrogen chloride dissolved in water? अगर आप किसी को मुझे बता सके कि हम इसके मोल कैसे निकालेंगे. Any idea? और ऊपर लिखा हुआ है कि वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 24 डीएम. तो इसमें मोल्स टू वॉल्यूम का रेशियो लगाएंगे और 432 डिवाइड बाय 24. सर एक डीएम क्यूब में एक मोल होगा तो 432 डीएम क्यूब में कितने मोल होंगे? अच्छा तो सही, यहाँ पर आप ये लगाएंगे कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि मोल के अंदर 24 डीएम क्यूब है तो फिर 432 डीएम क्यूब HCl में कितने मोल होंगे? आंसर बताइए. 18 आ रहा है. 18 आ रहा है. तो ये 18 मोल HCl है और ये 18 मोल HCl जो डिसॉल्व किया गया है ये 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है. इसका मतलब यह है कि ये 18 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसका मतलब यह है कि ये आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 18 मोल पर डीएम क्यूब है, यानी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 18 मोल पर डीएम क्यूब है, जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्ड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1.40 डीएम क्यूब. What is the concentration in mole per dm cube of hydrochloric acid? अब ये तो आपने, अब उसने एक दूसरी बात कर दी. उसने कहा कि जब 1 dm cube water के अंदर, इसका मतलब है कि ये अभी छोड़ दीजिए, इसको concentration की बात नहीं करते अभी हम. ये उसने दूसरे तरीके से सवाल किया है. ये 1 dm cube of water है, ठीक है? के बाद वो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1.40 डीएम क्यूब, यानी 1 डीएम क्यूब वाटर के अंदर जब 432 डीएम क्यूब उसने हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व किया, यानी 18 मोल एचसीएल डिसॉल्व किए, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था अब वो 1 नहीं रहा, अब वो 1.40 हो गया एचसीएल डिसॉल्व करने के बाद. इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि 18 मोल एचसीएल जो है, 18 मोल HCl जो है वो प्रेजेंट है इन 1.40 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. और कॉन्सेंट्रेशन आपको मैंने बताया था हमेशा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी हमेशा हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, वाटर का कंसीडर नहीं करते. यहां तो 1 डीएम क्यूब वाटर लिया, उसके अंदर 432 डीएम क्यूब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डाली, टोटल वॉल्यूम जो बना वो 1.40 बना, यानी 18 मोल HCl डिसॉल्व इन 1.40. सो 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन, अब वो जो भी मोल्स आएंगे वो कॉन्सेंट्रेशन. कुछ समझ में आई बात? 12.6 मोल पर डीएम क्यूब. 86 सर. 86 तो 12.8 लिखेंगे या 12.9 कर दें उसको राउंड ऑफ करके. 12.9 मोल पर डीएम क्यूब, दैट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl. होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी.
अच्छा बेटा, अब ये जो अगला सवाल है ये पूरा टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर टू और पेपर थ्री दोनों में मिले। ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपनी प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन में भी मिलेंगे, और आपको पेपर टू में जब ये आगे करेंगे पेपर टू के क्वेश्चन उसमें भी मिलेंगे। एक मरतबा जरा आप सवाल खुद से पढ़ लीजिए, फिर मैं इस पे बात। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन में यह है कि एन एसिड H2X रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज शोन इन द इक्वेशन बिलो। एक बात आपको यहां समझ में आ रही है कि एसिड का और NaOH का रेशियो जो है वो 1:2 का है, यानी 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ NaOH। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड और उसको 1.92 ग्राम लिया है। एसिड का फार्मूला आपको नहीं पता, ऐसी जनरल फार्मूला है H2X, और 1.92 को लेकर उसको डिसॉल्व किया है 250 cm क्यूब में इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी कि एसिड का एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका टोटल वॉल्यूम 250 बनाया है, यानी इस 250 वॉल्यूम के अंदर 1.92 ग्राम ऑफ H2X डिसॉल्व। उसके बाद इसमें से 250 में से 25 निकाला, 225 सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 21.70 cm क्यूब ऑफ 0.15 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस NaOH फॉर कंप्लीट रिएक्शन। यानी आपको NaOH की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, NaOH का वॉल्यूम गिवन है, और ये वो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन है जो 25 cm क्यूब ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है जो हमने ऊपर वाले सॉल्यूशन में से लिया है। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 21.70 मोल 0.15 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस NaOH। बताइए इसमें क्या करना चाहिए सर? मोल्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देंगे। अच्छा, इसके लिए एक तो तरीका जो आपने बताया, लेकिन मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा कि 0.150 मोल NaOH डिसॉल्वड इन 1000 cm क्यूब। ये मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखी, ये कंसंट्रेशन की बात है कि 0.150 मोल पर डीएम क्यूब का मतलब ये है कि 0.150 मोल of NaOH dissolved in 1 dm cube of solution। तो फिर 21.70 cm cube के अंदर कितने moles होंगे? 3.255 multiply by 10 to the power minus 3। 8.55 10 to the 3. power minus 3 3.255 हो गया। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके?
सारा रहा है, चला है पूरा सारा तो अजीब ही पूरा सारा रहा है। अच्छा बेटा देखिए ये 3.55 10 टू द पावर माइनस 3 मोल जो आए हैं ये मोल NaOH के मोल, ठीक है। ये मोल NaOH के हैं जिन्होंने 25 cm क्यूब ऑफ एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट किया है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगले पेज पर जो है क्वेश्चन है ये इसी की कंटिन्यूएशन है। और क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2X व्हिच रिएक्टेड विद द अमाउंट ऑफ NaOH एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2X इन 1.92 ग्राम ऑफ सैंपल। वो तो बात की बात है, पहले मोल्स ऑफ H2X इन 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मैंने प्रीवियस पार्ट में आपसे कहा था कि ये जो हमने मोल NaOH के साथ के कैलकुलेट किए हैं एक्चुअली ये वो मोल्स हैं जिन्होंने 25 cm क्यूब एसिड से रिएक्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिलेशन अप्लाई करेंगे। रिलेशन ये है कि NaOH और H2X का रिलेशन ये है कि 2 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2X। तो जो प्रीवियस पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था 3.55, तो 3.55 10 टू द पावर माइनस 3 मोल के लिए H2X विल बी X। ये जो मोल्स आएंगे H2X के ये हैं प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब, क्योंकि ये वाला जो NaOH है ये एसिड के 25 cm क्यूब से रिएक्ट कर रहा है। ये है वो इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी सर। ये 3.55 है 3.255 है 3.55 था 25 था मेरे पास 3.55 लिखा है 25 का ये सर 255 है। ओके 25 कर देते हैं इसको। और अगर ये 25 है तो फिर यहाँ पर भी जो है वो इसको 25 कर देते हैं। आंसर बताइए 1.6275 into 10 के पावर माइनस 3 5.26 1.6275। यार इतनी बड़ी वैल्यू ना बताओ, 1 पॉइंट के बाद बताओ। 1.6 into 1 minus 3 के बाद 3 significant figure 6 3 6 3 10 to the power minus 3 5 3 3। ये mole आ गए mole of H2X और ये mole of H2X present in 25 हैं, क्योंकि हमने जो solution acid का इस्तेमाल किया था इस NaOH के साथ वो 25 cm cube। Next, moles of H2X in 1.92 gram sample. अब आप इस पार्ट पे जाएं, आपने 1.92 gram of H2X को dissolve किया था 250 cm cube में।
इसका मतलब ये हुआ कि 250 cm क्यूब के अंदर जितने भी जितना भी एसिड है वो इक्विवेलेंट टू 1.92 ग्राम है, क्योंकि हमने 1.92 ग्राम को डिसॉल्व 250 में किया है। अब देखें यहाँ क्वेश्चन में ना उसने बात को घुमा दिया, उसने कहा है कि मोल्स ऑफ H2X इन 1.92 ग्राम सैंपल, हालांकि 1.92 का मतलब ये है कि इन 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये उसी बात को दूसरे तरीके से बता रहा है कि 250 cm क्यूब सॉल्यूशन के अंदर आपने 1.92 डिसॉल्व किया था। आप यहां पर इसको कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि 25 cm क्यूब के अंदर 1.63 10 टू द पावर माइनस 3 मोल एसिड मौजूद है, तो फिर 250 के अंदर कितना एसिड होगा। वजह यह है कि हमने 250 cm क्यूब सॉल्यूशन बनाया था और उस सॉल्यूशन में से 25 cm क्यूब पिपेट आउट किया था, 25 cm क्यूब में इतने मोल हैं, 250 cm क्यूब में कितने मोल होंगे। अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1.63 10 टू द पावर माइनस 2 मोल एसिड H2S। ये हमने मोल कैलकुलेट कर लिए इन 250 cm क्यूब ऑफ H2S। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके, अब लास्ट में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है और मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एमआर। अब आपको एमआर निकालना है तो एमआर निकालने के लिए मास अपॉन मोल, मास जो आपने एसिड का डिसॉल्व किया वो 1.92 है और जो आपने एसिड के मोल कैलकुलेट किए 1.63 10 टू द पावर माइनस 2। 1.92 डिवाइडेड बाय 1.63 10 टू द पावर माइनस 117.8 आ रहा है। सॉरी 117.79 आ रहा है। 117.8 का मतलब 118 हो गया, अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करते हैं जो कि करना भी चाहिए। 117.8 का मतलब यह है कि इट इज 180। ये टिपिकल वो कैलकुलेशन है जो आपको प्रैक्टिकल के पेपर्स में मिलेगी, जहां पर एग्जामिनर एक्सपेरिमेंटली आपको फाइंड आउट करवाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी भी एसिड। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन जो है ये आप कर लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिए। ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन है, यह आपसे इजीली हो जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। या अभी 17 अभी नहीं करते, अच्छा अब आप यहां पर देखिए क्वेश्चन मोल्स के। क्वेश्चन नंबर 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अभी छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं आपको।
ये नवंबर 7 का क्वेश्चन है, नवंबर 7 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़िए और फिर इस पर हम बात करें। अच्छा, इसमें जो सल्फ्यूरस एसिड लिखा हुआ है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो H2SO4 होता है, और सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो H2SO3। अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्या है कि जनाब, व्हेन 2.7 ग्राम ऑफ H2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो 0.96 ग्राम ऑफ सल्फर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में। और आपसे ये कहा जा रहा है, देखिए यहां लिखा भी हुआ है कि डाइसल्फर क्लोराइड is decomposed by water forming sulfur and a mixture of hydrochloric acid and sulfurous acid. यानी यहाँ पर जब आपको equation balance करनी होगी, तो equation balance करने के लिए, चलिए मैं equation balance करता हूँ, लेकिन पहले amount in moles of H2Cl to 2.7, तो 2.7 के साथ mole निकालने divided by MR करेंगे, H2Cl2 का आप MR कैलकुलेट करें, डेटा बुक से आप इनके AR निकालें और आप जो है वो MR कैलकुलेट। 135.2 MR आ रहा MR कितना आ रहा है? 135.2 135.2 तो 135.2 से आप डिवाइड कर दें, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। आंसर बताइए।
0.019 आगे भी नहीं. और नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ H2Cl2? अगर आप H2Cl2 का वन मोल लेते हैं तो देखें वन मोल ऑफ H2Cl2 में कितने सल्फर हैं? लॉजिकली दो सल्फर हैं. तो वन मोल ऑफ H2Cl2 के साथ जो है वो टू मोल सल्फर जो है वो प्रोड्यूस हो. या दूसरा प्रोडक्ट एक और है, नहीं एक और चीज भी है, सल्फर के साथ साथ उसने सल्फ्यूरस एसिड भी कहा है. तो जो दो सल्फर हैं उनमें से एक सल्फर सल्फ्यूरस एसिड में चला जाएगा और एक सल्फर जो है वो यहाँ पे आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि वन मोल ऑफ H2Cl2 विल प्रोड्यूस वन मोल सल्फर. अब आप यहाँ पर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे कि H2Cl2 रिएक्ट्स विद H2O फॉर्म सल्फर प्लस HCl प्लस सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. अब आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिख देंगे. ये अब आप देख लीजिए बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है और इधर 2 वाटर आ जाएगा. या अभी भी ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं हुई, अभी भी ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं हुई. ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ऑक्सीजन का जो है वो डिफरेंस है. तो फिर हम यहां पर कैलकुलेशन से निकालते हैं. चलें फिर हम दूसरा काम करते हैं, वो ये करते हैं कि 2.7 ग्राम ऑफ H2Cl2 के अंदर 0.019 मोल H2Cl2 मौजूद है और रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ वाटर 0.96 ग्राम ऑफ सल्फर वाज प्रोड्यूस. तो हम ये कह सकते हैं कि 0.96 डिवाइडेड बाय सल्फर का AR 32.1 है. आप सल्फर के मोल निकाल कि 0.19 मोल H2Cl2 के साथ कितना सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है. अंदाजे नहीं लगाते, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. 0.029 और ये मोल किसके आ रहे हैं? ये मोल सल्फर के आ रहे हैं. तो अब यहां पे लिखते हैं कि 0.19 मोल H2Cl2 जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है 0.029 मोल सल्फर. तो फिर वन मोल H2Cl2 जो है वो प्रोड्यूस करेगा X. आंसर बताइए. वन पॉइंट फाइव यानी इसका मतलब ये है कि वन मोल ऑफ H2Cl2 विल प्रोड्यूस 1.5 मोल. ये हमारी हमने जो गिवन हमारे पास जो था ऑब्जर्वेशन जो थी या जो भी था हमारे पास उसको हमने यूज किया.
अब आप इक्वेशन उसी के हिसाब से कि 1 मोल के साथ अगर ये 1.5 इस्तेमाल हो रहा है तो फिर बाकियों के साथ जो है वो इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा बैलेंस करके, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।